हाँ भाई, वापस आने के बाद मैंने क्या खाया? वाह भाई वाह, मैं भूखा बैठा था। ओह माय गॉड, दैट वाज बैड ब्रो। इसी खतरनाक प्रेशर की वजह से भाई दाल पानी हो जाती है। देखो भाई, मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, अगर ये टेस्टी नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये टेस्टी होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत सुना है। लगाएगा वाले हैं और ये भाई लेट आएगा आज। I'm ready। कल यार टाइम पे सो गया था, पर उठा मैं लेट हूँ। मैंने शेक भी नहीं पिया, मैंने कुछ खाया भी नहीं। मैं डायरेक्टली ऐसे ही निकल रहा हूँ आज कॉलेज के लिए, बिकॉज मेरे को लेट भी नहीं होना और जिम में शाम को चला जाऊँगा। भाई एक तो मैं घर से खाना खा के नहीं आया, ऊपर से यहाँ क्लास में बैठ के खाने वाली वीडियोस देख रहा हूँ। भूख लग गई भाई। अब देखो, साउंड स्टूडियो के बहाने निकला हूँ और मेरे को भूख भी लगी, मैंने सब कुछ खाया नहीं। मैं पहले कुछ खाऊंगा, उसके बाद वापस क्लास में जाऊंगा और लास्ट लेक्चर में साउंड स्टूडियो। अबे यार, मेरे को ना अभी अभी याद आया, कल हमने जब लंच पैक कर लिया था, मैं भाई लंच उठा के ही नहीं आया हूँ। मुझे लगा था रोटी यहाँ से खरीद लूँगा, लंच खुद बनाया था मैंने सब्जी, अब वो मैं लेके तो आया ही नहीं हूँ। पक भाई, तो ठीक है भाई, मैंने मन बना लिया, मैं ले रहा हूँ चाप रोल। तो अपना रोल आ रहा है, तब तक के लिए समोसा। गर्मी है, मतलब जो गर्मी जून में होनी चाहिए ना, वो आज हो रही है भाई, बहुत गर्मी है आज। आएगा सितंबर, सर्दियाँ कहाँ शुरू हुई है अभी तक। एसी चलाऊंगा अभी जाके घर पे। भाई एक चीज़ नोटिस करी, पूरा फ्लैट गंदा पड़ा है, और वो इसलिए क्योंकि इस सैटरडे संडे, मतलब इस हफ्ते भी सफाई नहीं हुई। हाँ आज क्लास में बैठ के फुल टाइम असाइनमेंट बनाई है और थोड़ी बहुत सीधे मौत वाले कॉन्सर्ट की वीडियो एडिट करी। तुम तो देख चुके होगे भाई, नहीं देखी तो देखो यार, बहुत अच्छी बनी थी, क्या कहने उस कॉन्सर्ट के। आई एम वेटिंग कि भाई ऐसा कोई कॉन्सर्ट फिर से हो। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी कॉन्सर्ट के अंदर गया था, एंड मैं चाहता हूँ भाई हर बार, अब मैं किंग के कॉन्सर्ट में भी जाना चाहता हूँ। मैं भाई दिलजीत के तो कॉन्सर्ट में जा नहीं सकता, बात नहीं है इतनी, ठीक है। ब्लैक में आज कोई बता रहा था कि भाई 12-15 हज़ार रुपये की टिकट मिल रही है। मैं कहा भाई नहीं चाहिए रहन दे, 25,000 बोला था। 5 मिनट हो गए यार, एसी ठंडक नहीं कर रहा था, तो इसके फिल्टर साफ करके आता हूँ, फिर शायद कुछ ज़्यादा अच्छे से काम करे। देख रहे हो कितना गंदा हो रखा था भाई साहब। मैं अभी अपनी किचन चेक कर रहा था कि आज रात के लिए क्या बन सकता है। भाई बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास, तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा है, बट वो सारी आइटम वो वाली है जिसको या तो भिगो के रखना पड़ेगा पानी में, या फिर मतलब कोई ना कोई प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, वो वाली है। तो भाई फिगर आउट हुआ कि ये दो दाल मिक्स करके दाल बनाएंगे। अभी क्या करता हूँ, जिम जाने से पहले इसको सीटी लगवा देता हूँ एक, मतलब भाई मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, मैंने एक सीटी पूरी लगवा दी, उसके बाद इसको मतलब उसके अंदर कुकर के अंदर पड़े रहन दिया। भाई दाल की जगह ना उसका पानी हो गया था भाई, बिल्कुल पेस्ट बन गई थी इसकी। तो इस बारी क्या करना है, एक सीटी लगने से पहले पहले इसको बंद कर दूंगा मैं, उसके बाद आके इसका तड़का मारेंगे और अपना रात का खाना रेडी हो जाएगा। भाई यहाँ पे धुले हुए बर्तन सारे सॉर्ट करके मैंने वापस यहाँ पे रैंक के अंदर रख दिए, अब लग रहा है ना कि हमारे पास बर्तन है। चलो यार, तुम्हारे भाई पे ना इमरजेंसी के लिए सब कुछ रखा तो हुआ है उस दिन जब मैं स्टॉक भर के आया था। नाइस। तो ये दाल यहाँ पर रख दी भाई, इतना पानी भर दिया, अब इसके अंदर डालनी है नमक, हल्दी। मिर्ची हमारे पास है नहीं, मिर्ची पीसनी पड़ेगी। पीसी
इसी खतरनाक प्रेशर की वजह से भाई दाल पानी हो जाती है। चलो भाई परफेक्ट, लास्ट टाइम किया था तो पानी पानी हो गई थी दाल, इस भाई सही। तो लो भाई सारी पानी की बोतलें भर दी और मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए, अभी रख रहा हूँ मतलब ताकि मैं आऊँ तो सीधा मेरे को खाना मिल जाए खाने के लिए कुछ। वैसे तो मैं 5 अंडे नहीं खाता बट मेरा वेट बढ़ रहा है तो मैं योक नहीं खाने वाला, मैं सिर्फ आउटर वाइट वाला पार्ट खाने वाला हूँ, इसलिए मैंने 5 अंडे रखे हैं। ब्रो फ्लैट पे काम ख़त्म नहीं होते, खाना ऑलमोस्ट रेडी है समझ लो, दाल अगर मन किया तो आटा गूंथ के रोटी बना लूँगा क्योंकि यू नो थोड़ा रोटी के साथ अलग प्यार नहीं है हमारा, बैचलर है ना भाई, रोटी नहीं खाते इतनी, तो चावल बना लेंगे। और इस इंसान के जिम के रास्ते में बिट्टू, KFC और ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स आते हों तो मैं क्या लगता है उसकी फिटनेस जर्नी इतनी आसान हो सकती है भाई? कभी भी नहीं भाई, इतनी तो डिस्ट्रैक्शन है, सामने सब्वे है, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स है भाई, घिर रखे हैं यहाँ पे। इस साइड तो मैंने आना ही कम कर दिया है ताकि मैं इन सब चीज़ों पे पैसे ना खर्च करूँ। क्या सीन भाई आज तो जिम में, क्या तगड़ा पंप आया भाई के मजे आ गए। अब क्या प्लान है देखो, पहले खाने हैं अंडे, उसके बाद फिर चावल रखने हैं, फिर दाल के अंदर तड़का लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, देन खाना बना के खा लेना है, सिंपल। जैसे आज मेरे साथ हुआ है ना, मैंने पैक करके रख दिया था पर सुबह के टाइम पे उठा के ले जाना भूल गया लंच अपना, भाई आज ऐसा नहीं होने दूंगा, ना 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 ना, ना। आज मैं टिफिन पैक करके रखूंगा पूरा पर और याद रखूंगा कल लेके जाना। भाई आज मैं भूखा रहा हूँ रिसेस में, मतलब मैंने थर्ड पीरियड में बंक मार के खा लिया था खाना, तुम्हें पता है ना, देख लिया तुमने, और उसके बाद फिर ब्रेक में मैंने कुछ नहीं खाया, बस पानी पी लिया, और वापस आने के बाद, हाँ भाई वापस आने के बाद मैंने क्या खाया, वाह भाई वाह, मैं भूखा बैठा था, ओह माय गॉड दैट वाज बैड ब्रो, मुझे उस टाइम पे प्रोटीन शेक पी लेना चाहिए था, आज तो मैंने प्रोटीन इनटेक ही नहीं लिया। चलो छोड़ो यार, कल से सेट कर लेंगे वो चीज़, कल ट्राई करूँगा कि सुबह के टाइम पे जा पाऊँ जिम, क्योंकि मेरे को सूट करता है सुबह के टाइम पे जिम जाना, और शाम के टाइम पे मेरे को सूट नहीं करता क्योंकि खाना मेरे को बनाना होता है, यू नो थोड़ा टाइम लग जाता है, असाइनमेंट्स वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं क्लास में कंप्लीट कर लेता हूँ। और भाई 2 दिन बाद हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, माई गॉड प्रैक्टिकल्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, बड़े अच्छे टाइम पे सीधे मौत का कॉन्सर्ट होके आया हूँ मैं, अब मेरे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और अब मैं आराम से फ्रेश माइंड के साथ वहाँ पे टाइम दे पाऊँगा। ठीक है फिर अपना कार्यक्रम अपना काम शुरू करता हूँ मैं, मेरे को बहुत काम है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद नहाना भी है, बहुत चिपचिप हो रखी है भाई, कसम से इतनी गर्मी हो रखी है भाई, मैं तो जिम करके आया हूँ वो अलग बात है, आसपास मैं अभी नीचे ऊपर आ रहा था भाई, वो लोग नीचे भी बोल रहे हैं कि यार गर्मी हो रखी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, शुक्र है हमारे पास एसी लगा हुआ है भाई। जून जुलाई वाली गर्मी अब सितंबर में क्यों पड़ रही है, वो भी सितंबर के एंड में, मेरे को लग रहा है भाई सर्दियां आएंगी लेट और मैं अपने अच्छे अच्छे कपड़े सर्दियों के नहीं पहन पाऊंगा भाई, सर्दियों में हुडी और स्वेट्स मेरा प्यार है, पहला प्यार सर्दियों का हुडी और स्वेट, मेरे पे ढेर है हुडी और स्वेट्स का। देखो भाई मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, अगर ये टेस्टी नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये टेस्टी होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। लगा ही था थोड़ा सा स्पाइसी है, बाकी सब बढ़िया। ओ भाई इट्स गुड यार, सही बनाई है भाई, मैंने काफ़ी देर वेट कर लिया भाई, ईशान आया नहीं अभी तक,
10 बज चुके हैं, मैं तो अपना खाना खा रहा हूँ भाई। आज 100% बना हुआ खुद का दाल चावल। अलग मजा आते हैं भाई। डोरेमोन देखते हुए खाना खा रहा हूँ। आएगा तो भाई आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।